क्या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर एक ब्रांड है? क्या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ने वाले बंदे क्या CSS ज़्यादा पास करते हैं, या इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो एक मीनार दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में। एक नया तालिब इल्म, एक नया स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उसको इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को हकीकत में बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर हकीकत में एक यूनिवर्सिटी कैसी है। जैसे ही आप लोग इस यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में या आपको एक बात सुनाई जाती है कि इस यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल, अब्दुल सलाम, एतदाद अहसन, जवेद इकबाल, इशफाक अहमद, पितरस बुखारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इस तरीके के जो मशहूर मशहूर लोग हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के या इस अदारे से पढ़ के पास आउट हुए हैं, तो उनके आप लोगों को नाम सुनाए जाते हैं कि ये वो लोग थे जो इस यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किए। और इसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे बच्चे आजकल इस यूनिवर्सिटी को एक पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझते हैं, और ये जितने भी लोग, जिसमें आफताब इकबाल जैसे लोग भी मौजूद हैं जो ख़ुद को रावियंस कहते हैं, और रावियंस का एक शशका पूरे पाकिस्तान में बोला जाता है और समझा जाता है, यानी कि जो भी बंदा इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है या पढ़ता है वो ख़ुद को रावियंस कहलाता है। यानी जैसे पंजाब कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को पंजाबियंस कहते हैं, तो वही रवाज अब यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी देर का डरा हुआ है, तो यहाँ पर पढ़ने वाले लोग ख़ुद को रावियंस कहते हैं। थोड़ी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये बड़ी ही पुराना अदारा है। यानी कि तकरीबन 1864 में ये अदारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये डेवलप हुआ था, और इसको 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया। इस अदारे का जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 56 एकड़ है, अगर पंजाबी में बोलूँ तो 56 किले। बहुत सारे बच्चों के इस यूनिवर्सिटी के मुतलक सवालात होते हैं, जैसे कि इसकी डिग्री की वैल्यू और एक्चुअल में इसके जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड हैं वो कैसे हैं। इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के मुतलक बहुत सारी मिथें भी कायम हैं, जैसे इसमें पास आउट होने वाले बंदे बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, यानी कि GCU लाहौर का जो ठप्पा है वो चलता है। और बहुत सारे लोग आपको ये भी आर्गुमेंट देते हुए मिलेंगे कि चूँकि बड़े बड़े अफसर्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, तो रावियंस जो हैं वो रावियंस को सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में पेश होते हैं तो आप लोगों को सामने अगर रावियन मिल जाता है तो वो आप कंसिडर कर लेगा और आप लोगों को नौकरी मिलने में आसानी पैदा होगी। ये ऐसे आर्गुमेंट्स भी आपको इसी अदारे के मुतलक देखने को मिलते हैं। वहीं पर इस यूनिवर्सिटी में जो दो मीनार हैं और एक ओवल ग्राउंड है, उसको बताकर दिखाकर लोगों को हिस्ट्री की याद दिलाई जाती है, और कभी हेलीकॉप्टर जैसी फिल्मों की जो शूटिंग है पाकिस्तान में, ये नब समझ लेना कि असली हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि GCU लाहौर के जो कुछ तलबा थे उन्होंने भी हेलीकॉप्टर की फ़िल्म की कॉपी की थी इस यूनिवर्सिटी में कुछ थोड़े से क्लिप बनाकर, और बाद में उसको काफ़ी बेचा गया, काफ़ी मशहूर किया गया यूनिवर्सिटीज़ को, और बच्चों को ट्रैप करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब लफ्ज़ मैंने ट्रैप बोला है, बड़ा सख्त लफ्ज़ है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस लफ्ज़ को भी। GCU लाहौर एक गवर्नमेंट का अदारा है, लेकिन इसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अब इसको सिंपली बोले तो। इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फीसेस देखने को मिलती हैं, यानी कि बीइंग अ सरकारी अदारा अगर हम बोलें तो सरकारी अदारे की फीसेस जो होती हैं कम होती हैं, लेकिन ये वाहद वो सरकारी अदारा है जिसकी फीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आप बात करें MPhil लेवल पर तो और भी ज़्यादा फीसेज हैं, यानी कि इतनी फीसेज कम ही सरकारी इदारों की हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीसेज हैं। इसी के साथ साथ इसके जो हॉस्टल्स हैं वो बड़े काफ़ी ज़्यादा महंगी हॉस्टल्स हैं, आप कंसिडर उनको करें। अगर आप लोगों को हॉस्टल में जगह भी मिलती है तो भी आप लोगों को तकरीबन एक साल का 70 से 80 हज़ार रुपये सबमिट करवाना पड़ेगा आपकी अकोमोडेशन का, और इसी के साथ साथ आप लोगों को मंथली 10 से 20,000 जो है वो पे करना पड़ेगा आपके खाने पीने का, मेस का। हालांकि अगर आप उसी जगह पे प्राइवेट हॉस्टल को प्रेफरेंस दें और प्राइवेट हॉस्टल लें तो आप लोगों को काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दिस गवर्नमेंट हॉस्टल। बाकी ठीक है, हॉस्टल्स के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो वो तो अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप लोगों की जेब इजाज़त देती है देन यू कैन कंसिडर, अदरवाइज या पर्सनल चॉइस है बहरहाल। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, जैसे चंद शख्सियात के नाम आप लोगों को बताए जाते हैं कि चूँकि ये लोग यहाँ से पास आउट हुए थे और बच्चे समझते हैं कि शायद हम भी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। पहली बात तो पहुंच तो कोई भी सकता है, लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी का सिर्फ यही नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को छोड़कर आप किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे तब नहीं वहाँ पे पहुंच सकते। यानी कि अगर आपने अल्लामा इकबाल साहब या वैसी कोई शख्सियत को आपके लिए इंस्पायरेशन है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ही आना पड़ेगा, और किसी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी।
और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ इस अदारे के जो अब एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स के एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये समझते हैं कि इसमें हर एक डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहाँ पर, हाईली एजुकेशन सर्कमस्टांसेस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीसीयू लाहौर में आपको बड़े फारग और बड़े खच किस्म के डिपार्टमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई दूर दूर तलक नहीं है उस डिपार्टमेंट में कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का। लैब्स बंद पड़ी हैं, उनमें से बहुत सारे मशीन्स जो हैं, यानी जो प्रैक्टिकल वर्क है बिलखसूस जो साइंस सब्जेक्ट्स की चीज़ें हैं वो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी बुरे हालात हैं। और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो फर्नीचर है, अब आपको वहाँ पे कुछ ऐसे डेस्क देखने को मिलेंगे जहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो वापस उठें तो आपका कोई कमीज़ आपकी शर्ट वो उस डेस्क में अटक जाती है और वो बगैर फटे वहाँ से निकलती नहीं है। तो अब इस बात को जोड़ दिया जाता है कि जी पुरानी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है तो भाई उसमें सामान सारा पुराने रखना, नया कोई चीज़ लेके नहीं आनी। सादा अल्फाज में बोलूँ तो आपको इस यूनिवर्सिटी के मुतलक कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बयान की जाती हैं और हकीकत में वैसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हाँ, इस यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स, इस यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतरीन हैं, लेकिन वहीं पर बहुत कुछ ऐसा भी है जिनको आपसे छुपाया जाता है। वो आप लोगों को तब भी सारी चीज़ें सामने आती हैं, तब भी आप लोग उनसे इंट्रोड्यूस होते हो जब आप वहाँ पर ख़ुद पढ़ने जाते हो। उससे पहले आप लोगों को कोई चीज़ें ये सही तरीके से नहीं बताता। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पर हर यूनिवर्सिटी के मुतलक जो सही इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करूँ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के जो आर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं, यानी जो आर्ट्स के साथ तलक रखते हैं, वो फ़नून लतीफ़ा के साथ जो तलक रखते हैं, वो नो डाउट ये एक बेहतरीन वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और कुछ वजह इस यूनिवर्सिटी में ये भी है कि बहुत सारे लोगों के जो वालदैन हैं या ख़ुद वो लोग जिस यूनिवर्सिटी से काफ़ी देर पहले पढ़ के गए थे, बेशक वो काले लेवल पर पढ़ के गए थे, उन लोगों की कुछ ना कुछ मोहब्बत अपने इदारे से वाबस्ता हो जाती है। अगर आप भी किसी इदारे से पढ़ के जाएँ तो आपको भी उस अदारे से थोड़ी बहुत मोहब्बत तो ज़रूर हो जाएगी। यही वो बुनियादी वजह है कि बहुत सारे लोग यहाँ से कुछ अरसा पहले पढ़ के जा चुके हैं, यानी अब वो काफ़ी लोग एज्ड हैं, उनकी अपने इस अदारे से जो मोहब्बत है वो बसता है। तो लिहाजा वो अपनी जो न्यू जनरेशन है वो इस अदारे में उनको एडमिट करवाती है, यानी दाखिला दिलवाने की कोशिश करती है। चूँकि तब पाकिस्तान के कुछ हालात और थे और नौकरियों का हिसाब किताब कुछ और था, तो वाकई में तब लोगों को जॉब्स मिलती थी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर हो या कोई और हो। बाकी शायद हम उस दौर में मौजूद भी नहीं थे, हो सकता है कि उस दौर में इस अदारे के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थे वो कुछ बेहतर भी हों। बहरहाल उसी की वजह से बहुत सारे लोग अपनी नई नस्ल को इस अदारे में दाखिला करवाने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं कि शायद आजकल भी सिनेरियो सेम है। तो आजकल सिनेरियो बिल्कुल भी सेम नहीं है। पाकिस्तान में प्रीवियस 4 से 5 सालों के दौरान जितनी मार्केट में सैचुरेशन हो चुकी है, जीसीयू लाहौर छोड़कर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा है पाकिस्तान की, तो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है नौकरी के लिए अगर आप मेरिट पे लेना चाहें। अगर आप लोगों के ऑलरेडी कोई अनफेयर मींस यूज़ करते हैं, कोई आप लोगों के तलक वास्ते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर तो और सीन है। फिर जीसीयू लाहौर छोड़कर आप किसी भी और फुरलू यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो भी आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। वो बात नहीं मैं कर रहा, काम बंदे की बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत सारे बच्चे जो अपने दिल में दिमाग में एक ख्वाब पाल लेते हैं कि शायद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का ठप्पा जो है वो उनको फर्दर ज़िंदगी में मूव ऑन करवाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सोच के इस अदारे में दाखिला आप लोगों ने नहीं लेना कि आप लोगों को ये अदारे का ठप्पा लेके जाएगा या रावियंस पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं रावियंस होता। जीसीयू लाहौर पाकिस्तान के शहर लाहौर में लोकेटेड है, इंग्लैंड के शहर लंदन में लोकेटेड नहीं है। हर अदारे से कुछ ना कुछ लोग, जब वो देर से बना होता है, काफ़ी सालों से वो सर्व कर रहा होता है, तो कुछ ना कुछ लोग उसमें अपनी ज़ाती काबिलियत की बुनियाद के ऊपर भी आगे आ जाते हैं, कुछ फेमस लोग उसमें से निकल आते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसमें जितने भी हज़ारों स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उसी लेवल तक जाने के लिए आए हैं या उन सब यूनिवर्सिटीज़ उन सब स्टूडेंट को वहाँ तक ले जाए। अगर यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करती है ऐसे बंदों को तो उस यूनिवर्सिटी को चाहिए कि हर साल ऐसे बंदे ज़रूर निकालें, लेकिन हर साल तो वहाँ से ऐसे बंदे नहीं निकलते। तो लिहाजा इसमें यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ये बंदा अच्छा होता है पढ़ने को, वो हर जगह अच्छा ही होता है। बाकी यहीं पर जितनी इतनी तारीफ़ें हमने इस अदारे की कर ली हैं, कुछ सही और भी तारीफ़ें कर लेते हैं जो चीज़ें पॉजिटिव हैं इस अदारे में। पहली बात, इस अदारे में आप लोगों को जमातों वाला सीन नहीं देखने को मिलता, यानी जैसे जमीयत है, इस तरीके की चीज़ें आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती हैं, तो इस अदारे में आप लोगों को ये तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ये पहली पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी, इस अदारे में ये भी पॉजिटिविटी है कि इस अदारे में जो बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो यूनियंस बनाई गई हैं, यानी कम्युनिटीज़ बनाई गई हैं, जो कि काफ़ी बच्चों को सीखने को मिलता है वहाँ पे।
और बहुत सारी पॉजिटिविटी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो फ़नून लतीफ़ा के डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, या ख़ास तौर पर इनका जो अंग्रेज़ी का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, वो एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है और वहाँ पर नो डाउट जो फैकल्टी का लेवल है और बाकी जो चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं। इसी तरीके से कुछ और भी डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हैं जिनको आप बड़ा अच्छे डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, जिनमें इंटरनेशनल रिलेशंस के जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, और इसी तरीके से हिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल है वो भी काफ़ी पुरअमन और पुरसकून है। अगर आप बीइंग का स्टूडेंट देखें तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बाज़ औक़ात कोई लड़ाई झगड़े वाले सीन हो जाते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में ये सीन नहीं है। इसी के साथ साथ चूँकि इस यूनिवर्सिटी का रकबा थोड़ा है, चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है, इसी वजह से इस यूनिवर्सिटी में नशा, ये सिगरेट, ये वो चीज़ें इनसाइड यूनिवर्सिटी नहीं है। अलबत्ता हॉस्टल में तो कुछ भी होता है, वो तो बंदे की पर्सनल चॉइस होती है ना कि वो किस तरीके की तरफ जाना चाहता है। अगर आप पुरअमन रहने वाले हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर कोई मसाइल देखने को नहीं मिलेंगे इसके रिलेटेड। और उसी के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी आप लोगों को और भी बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में यहाँ से सीखने को मिलता है, जो कि वाकई में एक पॉजिटिविटी है इस यूनिवर्सिटी से, जो कि प्लस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का। और तीसरी बात, इस यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो है रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, जिसके बायस बहुत सारे लोग इसे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट निज़ाम है। बहुत सारे बच्चों को रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम का नहीं पता होगा, मैं बताता चलूँ कि ये दूसरे तालबे इल्मों के साथ कंपेरिज़न करके आपको CGPA दी जाती है। और बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पर CGPA जो है वो 3.5 से प्लस नहीं आती, तो कुछ ऐसी हकीकत मौजूद तो है, लेकिन आपको CGPA लेने के लिए एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है पाकिस्तानी सतह पर, बाकी दुनिया में तो खैर चलता ही है, यहाँ की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं 90% वहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का सिस्टम चलता है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे थोड़ी CGPA अच्छी बन जाती है, तो यहाँ पे ग्रेडिंग का थोड़ा आप लोगों को हाथ तंग ही मिलेगा। लेकिन ये ग्रेडिंग का सिस्टम जो है ये BS तक तो मैं भी इसको मतलब फेवर देता हूँ, ठीक है, लेकिन MPhil की सतह पर बहुत सारे बच्चों को ये यूनिवर्सिटी तंग भी करती है, क्योंकि MPhil के लिए मेरे नहीं ख्याल कि वहाँ पे जो आप लोगों की CGPA वो एज सच मैटर करती है, वहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो रिसर्च करती है। और यही वो बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि सदारे के मुतलक बहुत सारी मिथें कायम हैं, तो लोग MPhil करने के लिए जिनका दाखिला BS में नहीं होता तो वो दूर दूर से MPhil करने यहाँ पर आते हैं, और वो दिमाग में ये सोच के आते हैं कि शायद उनको यूनिवर्सिटी का जो ठप्पा है फिर आगे मूव ऑन करवाएगा, लेकिन फिर जब वो 2 साल पढ़ के वहाँ पर MPhil करते हैं तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ये सारी बातें गलत थी। तो लिहाजा अगर आप भी इसको MPhil के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो आप ये बात ज़रूर सोच के आना कि यहाँ पे कोई आप लोगों को एक्सेप्शन केस नहीं मिलने वाला। तो बाकी हॉस्टल के बारे में बात आपको होगी कंप्लीट, बाकी आप लोगों के अगर और सवाल आते हैं यूनिवर्सिटी में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मुतलक, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट एनालिसिस बताऊँ यूनिवर्सिटी का, थोड़ी हकीकत के साथ आप लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। बाकी अगर कुछ रावियों को मेरी बातें बुरी लगी हूँ तो मैं उनसे माजर खा हूँ। मतलब मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी एक दरसगाह होती है और वहाँ पर ये रावियंस, पंजाबियंस, ये तमाम चीज़ें ख़त्म करके उनको एक ही मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। वो सारी 4 साल में रावियंस करते रहते हैं और बाद में फिर नौकरी करते रहते हैं और कोई हासिल कुछ नहीं होता, या सिर्फ ओवल ग्राउंड को देख के बच्चे खुश होते रहते हैं, वो एक मीनार देख के खुश होते रहते हैं, उन्हीं की पिक्चरें लगाते रहते हैं। तो ये सारा कुछ मेरा नहीं ख्याल, इससे बाहर निकलना चाहिए जो हकीकत है। वो आप जाएं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसी भी बिल्डिंग या किसी भी मीनार या किसी भी ग्राउंड की वजह से मशहूर नहीं है, वो अपने तलीमी स्टैंडर्ड्स की वजह से मशहूर है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।